तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, कैसे होंगे दोस्तों। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों जो जानकारी मैं दूंगा उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी अच्छा चलेगा माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप, मेरा प्लांट अभी छोटा ही सा है, मैं कटिंग से ग्रो किया इसे और कटिंग चल गया है, काफ़ी अच्छा से चला है। गमले भी छोटा सा है, 6-7 इंच का गमला होगा। दोस्तों इस प्लांट के बारे में आपसे आज इस वीडियो में बात करूंगा। पूरी जानकारी दोस्तों दूंगा तो आप वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा, 2-4 मिनट। सिंगोनियम प्लांट दोस्तों नाम होता है। सिंगोनियम 3 से 4 एक्साम में ही आता है। दोस्तों एक्साम तो इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो फेमस है हमारे नर्सरियों पे मिल जाते हैं वो 3 से 4 किस्म के मिलते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलते। कोई पिंक होता है, कोई एक ग्रीन होता है, कोई पिंक और ग्रीन का मिक्स होता है। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन वाला है और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये प्लांट। बड़ा प्लांट भी दोस्तों मेरे पास है, मैं इसे इसकी कटिंग लगाया था, तो छोटे प्लांट आपको दिखा रहा हूँ। कटिंग दोस्तों ये एरियल रूट बहुत सारे जड़ निकालते जाते हैं ये लोग, ये प्लांट तो एरियल रूट जहाँ से निकाल दें तो वहाँ से आपको कट करने का जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप कट करके लगा देंगे तो आपका दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पौधे बना सकते हैं दोस्तों आप, साय वाली जगह पे रखें, सुबह के 1 घंटे की धूप मिल जाए, अच्छा चलेगा दोस्तों। इंडोर प्लांट है दोस्तों, तो साय वाली किस, या तो आपके पास बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे रख सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, पेलकन का हो गया दोस्तों, इस तरह साय वाली जगह पे रखें। इंडोर प्लांट है, सुबह के 1 घंटे के लिए धूप भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है दोस्तों। पानी की बात करते हैं तो पानी अच्छी दें, मिट्टी हल्की हल्की से मॉइस्ट होनी चाहिए दोस्तों। जैसे आपको लगे ऊपर की सतह मिट्टी की सूख रही है तो आप पानी डाल देंगे। कीड़े मकोड़े के लिए दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे आप, या हल्दी पाउडर, मैं दोस्तों यही यूज़ करता हूँ, कोई केमिकल नहीं यूज़ करता हूँ। केमिकल दवाई यूज़ करेंगे आप तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर दवाई डल जाता है तो हमारे पौधे के लिए बहुत नुकसान होते हैं। पौधे भी इतने सस्ते तो दोस्तों होते नहीं हैं, छोटे छोटे। इतना बड़ा प्लांट दोस्तों हमें समझ लीजिए आपको 100 रुपये का मिलेगा, यहाँ कराची में 50 से 100 तक आपको इस ये प्लांट मिलेगा दोस्तों। आप गमले की बात कर लेते हैं, गमले के साइज़ आप 8 से 10 इंच ले लें, अच्छा चलेगा। ये बड़े गमले लेंगे तो ज़्यादा फैल जाएगा दोस्तों, आपका 1-2 साल निकल जाएगा आसानी के साथ बड़े गमले में। दोस्तों यही छोटी छोटी सी केयर टिप्स होते हैं जो हमें प्लांट के बारे में हमें पता करना चाहिए बिल्कुल, कि सनलाइट दोस्तों ज़्यादा नहीं पड़ जाए। अभी जैसे बहुत गर्मी में पड़ गई हैं, 1/2 घंटे की सनलाइट सुबह के दे दें आप, अच्छा चलेगा दोस्तों। बाकी टाइम आप शेडी पैलेस पे रख दें, या थोड़ा बहुत छन के धूप आ जाए, या नहीं धूप नहीं आए तो मसला नहीं है, कोई मनी प्लांट का जहाँ रखते हैं वहीं पर रख दें। कीड़े मकोड़े के लिए दोस्तों अगर लग जाए तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ किया करें हर 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन में आप एक बार पानी में मिला के स्प्रे कर दिया करें, हमारे प्लांट महफूज रहते हैं कीड़ा मकोड़े से। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेके 1 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे करेंगे अच्छी तरह। फर्टिलाइजर का दोस्तों आपको बताऊँ तो 20 से 25% कंपोस्ट काउडिंग लें या वर्मी कंपोस्ट लें आप, जो सभी खाद आप यूज़ करते हैं 20 से 25% मिलाएंगे। जब पौधा प्लांट आप रिपोर्ट करेंगे 20 से 25% खाद मिलाएंगे मिट्टी में दोस्तों अच्छी तरह, फिर रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद थोड़ा सा काउडिंग आप डाल सकते हैं, हर 1-2 महीने में थोड़ा थोड़ा काउडिंग डाल दें, 2-3 मिट्टी अच्छा चलता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपका बेहद शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।